इबादत में रखा और इबादत न करने में उसने जन्नत को नहीं रखा। अच्छा, अब सवाल है कि खुदा ने वो इख्तियार इबादत जो तुम्हें दिया, वो इख्तियार इबादत जो तुम्हें दिया, इबादत का इख्तियार तुम्हें दे दिया, तुमने उस इख्तियार को खुदा के रस्ते में कितना इस्तेमाल किया? तो किबला सवाल है, अब उलमाए किराम से भी सवाल है और अपने दोस्तों से भी सवाल है कि अल्लाह ने जो इख्तियार इबादत आपको दिया, आपने उस इख्तियार को खुदा के रस्ते में कितना इस्तेमाल किया? आपके दिन में कितनी नमाजें होती हैं? 5, चलो 4 नफली इबादतें भी साथ मिला लो, कितनी हो गई? 9 इबादतें तुम दिन में करते हो। कोई बहुत ही इबादत गुजार हो तो उसकी बात कराओ। अच्छा, सबसे लंबी नमाज कौन सी पढ़ते हो? ईशा की। कितने वक्त में मुकम्मल करते हो? 20 से 25 मिनट में, अगर तहम्मुल से पढ़ो, वरना कुछ ऐसी है कि 5 मिनट में मेरे मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन उनकी नमाज वो जाने या खुदा जाने, लेकिन सबसे लंबी नमाज ईशा की है जो 20 से 25 मिनट में तकरीबन मुकम्मल होती है। कुछ नमाजें 20 मिनट में, कुछ 15 मिनट में, कुछ 10 मिनट में। तो आप जितने जितने वक्त के अंदर नमाज अदा करते हो, तमाम वक्तों को जमा कर लो, आप तमाम वक्तों को जमा कर लो, नफली इबादतों को भी जमा कर लो, तो दिन के 24 घंटों में से कितने घंटे बने? 2.5 घंटे भाई, इतना ही होगा भाई। ये बहुत मोहतात अंदाजा पेश कर रहा हूं, 2 या 2.5 घंटे। तो तुमने 24 घंटों में से सिर्फ 2.5 घंटे अपने खुदा को दिए भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तुमने 24 घंटों में से सिर्फ 2.5 घंटे अपने खुदा को दिए, बाकी के 21.5 घंटे तुमने दुनिया के काम को दिए या दुनिया के राम को दिए? ठीक, तो मुकाम इंसान को समझो। इंसान कौन के जो 24 घंटों में से सिर्फ 2.5 घंटे देता है खुदा को, बाकी के 21.5 घंटे तुमने दुनिया वालों को दिए, तो ये तो है इंसान। अब सुनो, तुम्हारा नबी, मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौन इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी फरमा दीजिए कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदाया सबका सब तेरे लिए। तुमने दिन के